वैसे ये बैग भी दिया क्या उसके साथ? देखो कितना जगह है अंदर, जहाँ पे ये टच स्क्रीन है, टच होता है ये। फिर कैमरे का मतलब गोप्रो के एसेसरीज जो भी रहते, वायर वगैरह, फिर पोर्टेबल चार्जर वगैरह सब आता था। तो फिर क्या सीन है, अगर आप 150-200 किलोमीटर भी कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा सामान तो कैरी नहीं करोगे, जो मैंडेटरी है वही कैरी करोगे, जैसे कि वॉलेट, पानी का बॉटल, ट्राइपॉड स्टैंड, ये वो फलाना ढिमकाना सब, ठीक है। तो फिर कैसा है कि आप अगर बैकपैक भी कैरी करोगे ना, तो है ना थोड़ा सा ना हल्का सा मतलब एकदम माइनर सा ना शोल्डर पे प्रेशर डालता है। तो वो प्रेशर है ना आपको राइड के आने के बाद आपको फील होगा कि अरे यार बैकपैक नहीं लेके जाना चाहिए। तो उसके लिए ना मेरे को एक तो कुछ तो जुगाड़ करना चाहिए कि अभी अगर बैकपैक नहीं है तो क्या कैसे लेके जाएंगे सामान। फिर सोचा कि एक टैंक बैग क्यों ना खरीदे। तो मैंने बहुत से टैंक बैग देखे, राइनॉक्स देखे, वाइटेरा देखे, फिर गार्डियन गैलेक्सी देखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत देखे, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अरे अभी मिल तो नहीं रहा है कहीं पे, तो मतलब मेरा कैसा ड्यूक है जेन 3, तो पीछे मेटल है लेकिन आगे जो है वो प्लास्टिक है। तो अगर मैग्नेट भी लूंगा तो पीछे तो आराम से बैठता है लेकिन आगे मैग्नेट नहीं है ना, प्लास्टिक है ना, तो वो नहीं बैठ। मैंने बहुत रिसर्च किया तो मेरे को ना एक अच्छा खासा टैंक बैग मिला जो की बजट में, ठीक है, और ऐसा वैसा नहीं है, वो अच्छे ब्रांड है, नोन ब्रांड है। तो फटाक से अपन ना रेडी होते हैं और वो स्टोर के लिए निकलते, उनका मेरे को कॉल आया था, मैंने खास करके वो ऑर्डर करके मंगवाया कि मेरे को वो बैग चाहिए क्योंकि वो सबसे बेस्ट बैग है जो मेरे टैंक को प्रॉपर बैठता है। तो और विद मैग्नेट, ऐसा नहीं है कि स्ट्रैप वैप लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, विद मैग्नेट वो प्रॉपर बैठता है, तो जरूर से दिखाऊंगा। तो फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते, बाइक निकलते हैं और चलते हैं सीधा वो स्टोर। तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं अपने बाइक पे और टैंक बैग का यही फायदा रहता है ना कि पूरा हैंडी रहता है, यहाँ पे लग जाएगा। अभी अपने को जाने का वर्ली नाका, जहाँ पे वो स्टोर है, स्टोर का नाम है बाइक एंड मी। तो वहाँ पे मतलब नया ही ओपन हुआ है लेकिन सुपर कलेक्शन है उनके पास, और अपने को अपना बाइक भी वॉश कराने का था, यहाँ पे ऑटो लॉन्डर करके है, लेकिन सोचा है कि बार बार तो वॉश नहीं करेंगे, मतलब राइड से आया था ना पूरा धूल मिट्टी लग जाता है ना, तो सीधा भी जा सकते लेकिन सीधा ना थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, तो अपन है ना लोअर पर के ब्रिज पे से चलते हैं, वो थोड़ा इजी होगा। यार अभी अपने को लेफ्ट में जाने का है, यार सही ब्रिज बांध है ना ये, अभी यहाँ से राइट लेके जाना है अपने को टुवर्ड्स वर्ली नाका। बस यहाँ से राइट लिया और अभी पूरा स्ट्रेट जाना है, पूरा ये एंड से लेके वो एंड तक पूरा। मार्केट है, मार्केट भाई कितना फास्ट फूड है ना मुंबई में, इतना बढ़ गया ना यार, हर गली में इतना स्टॉल रहता है ना फास्ट फूड का, क्या ही बोले, अभी पूरा मिनी मार्केट ही बना देते फुटपाथ को। अभी अपने को स्ट्रेट जाना है और यहाँ पे फोर व्हीलर्स के लिए रोड बंद है, मेरे को अभी गैप निकल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक RS 46 भी है, ये भी शॉपिंग अच्छा है। सीधा ऑफ रोडिंग करके तो लेके नहीं जा सकते वहाँ पे बाइक, अभी यहीं पे कहीं पे लगाना पड़ेगा और चल के जाना पड़ेगा, यहाँ यहीं पे है बाजू में। लो जी भाई अपन आ गए अभी बाइक एंड मी, और ये जो स्टोर मैं आपको बोल रहा था जहाँ पे अपने को टैंक बैग लेना है, तो गाइस ये है वो स्टोर जहाँ पे हम लोग ने बोला था। देखते कितने हेलमेट के ऑप्शन है भाई, सोलेस का टैंक बैग आया ना, बस ये बैग भी देखे उसके साथ, सही लग रहा है यार ये बैग, देख रहे हो गाइस कंपार्टमेंट दिखा दो आपको इसके, मतलब मैं क्यों इतना वेट किया था ये बैग के लिए, देखो कितना जगह है अंदर, अब देख सकते हो कितना स्पेस है इसके अंदर, जहाँ पे अपना अपन ग्लव्स रख सकते हैं, फिर वॉलेट हुआ, ट्राइपॉड स्टैंड हुआ, पानी का बॉटल हुआ छोटा सा, फिर यहाँ पे देखो ये फोन रखने के लिए पार्ट हुआ, ये जहाँ पे ये टच स्क्रीन टच होता है, ये फोन भी ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से, और ये कंपार्टमेंट है यहाँ पे जहाँ पे ये रेन कवर दिया इसका, और ये कुछ स्ट्रैप्स दिए जो कि अगर मैग्नेट नहीं लगाना होगा तो स्ट्रैप भी लगा सकते हैं इसमें। और एक चीज, अगर ये इतना ही स्पेस अगर आपको कम पड़ रहा है ना, तो फिर आप लोग यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखो कितना एक्सटेंड हो गया, और फिर अभी इसके अंदर जगह देखो, फिर यहाँ पे भी कुछ कंपार्टमेंट्स है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरह का ये कुछ बैग है सुपर। और मैं जो बोला था ना आपको कि ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, सोलेस बेस्ट ब्रांड है, और ये जो इसके मैग्नेट्स है तीन साइडेड, बाइक पे भी लगा के दिखाते हैं कैसे लगता है। प्राइस कितना बोले आप? 2350। डिस्काउंट करके भी पता ना भाई, ये सुपर बैग है, मेरे को बहुत अच्छा, मैंने जब भी फर्स्ट टाइम देखा था ना तभी मेरे को इस पे दिल आ गया था कि भाई ये तो मैं एक ले लूंगा, क्योंकि मेरे बाइक पे भी फिट होता है ड्यूक के लिए, याद रखना ड्यूक के लिए। तो इसका जो प्राइस है वो 2350 है और डिस्काउंट करके 2232, अच्छा डिस्काउंट मिला, तो फटक से ले लेते हैं और पहले अपन बाइक पे जाके लगा के देखे कैसे लगता है। आ जाओ बाइक पे लगा के देखते हैं। और जैसे कि आपको बताया था ये वाला पार्ट मेरा मेटल का है और ये प्लास्टिक है, तो स्ट्रैप वाला तो बैठता नहीं है, तो ये एकदम प्रॉपर बैठ गया, देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेट लग गया, यहाँ पे मैग्नेट लग गया, और ये साइड पे भी मैग्नेट लग गया। मैं आपको एक बार ही दिखाऊंगा, तो से कुछ आ रहा है टाइट वाइट करके, सुपर लग रहा है, और यहाँ पे भी अपना फोन भी आ जाएगा आराम से, और कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बस ना भाई, बाइक भी बहुत अच्छा है, थैंक यू भाई। तो चलिए फटाक पेमेंट कर देते हैं और निकलते हैं यहाँ।
नाम क्या आपका? मेरा नाम विवान है। विवान, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। क्या नाम है? ट्रैवल विद रानी। बाइक एंड मी में जा रहे हो? हाँ, बाइक एंड मी में। हो गया, अभी आ जाओ फटाफट। भाई एकदम परफेक्ट बैठ गया ये। फटाफट से पेमेंट करते हैं और आपको बाकी के भी चीजें दिखाना है। अपने को एक बलकलावा भी लेना है। बलकलावा भी दिखाना भाई, अपने को एक बलकलावा भी चाहिए क्योंकि अपना वाला तो इतना खास नहीं है। इधर ना पूरा पसीना पसीना होता है, फिर इचिंग होता है बाद में। ये पूरा प्लेन यही है ना? और इसका कुछ ऐसे ये प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे कुछ ऐसा पसीना वगैरह ऐसा कुछ? ओके, पहन के देखते हैं। ऐसे ही है ना? लूज लग रहा है यहाँ से। हेलमेट पहन के देखते कैसे लगता है। थोड़ा सा लूज लग रहा है लेकिन देखते हैं। कुछ इस तरह लग रहा है, देखो तो सही। ये वाला बड़ा था क्या? लेकिन इसका साइज भी है ना, ये थोड़ा प्रॉपर है। देखते हैं हेलमेट पहन के। सुपर लग रहा है ये, एकदम प्रॉपर। पसीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाला था ना वो थोड़ा लूज था, ये ठीक है। ये जो मैं बोल रहा था अपने दादा, हेलो दादा, कैसे हैं? एकदम मस्त। तो फटाफट अभी बलकलावा और अपना टैंक बैग ले लेते हैं और निकलते हैं। तो दो ले लेते हैं, आगे भी जाके काम को आएगा। ये तो तीसरा है ही अपने पास। लेकिन इसका है ना, ये देखो, ये जो प्रॉब्लम देता है ये पूरा है ना, यहाँ पे पूरा स्वेट कर देता है, फिर इचिंग होता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये थोड़ा सिल्क है तो थोड़ा अच्छा लगा। तो गाइस कुछ चीजें डाल के देखते कि कैसे लगता है। जैसे कि ग्लव्स हो गया, अपना ट्राइपॉड हो गया, फिर गोप्रो के कुछ एसेसरीज हो गए, बैग्स वैग सब, तो सब डाल के देखते हैं। ग्लव्स गए, स्टैंड गया, भाई सुपर सॉर्टेड। और इसमें अपना ये वॉलेट भी चला जाएगा। ये देखो, ये जो मैंने आपको दिखाया ना ये कंपार्टमेंट, यहाँ पे अपना वॉलेट जा सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो भी जा सकते हैं, और रेडी टू गो। फटाक से अभी बैग कैरी करने का भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको बताया था, अगर बैकपैक लोगे तो शोल्डर पेन करता है, तो फिर ये सबसे बेस्ट चॉइस है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो लो, का नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो उनको। बाइक एंड मी। तो गाइस चलो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चीयर्स।